जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन को दुनिया, कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। दर्द, नफरत, बदला, गुस्सा, बेबसी, बेचारगी और बर्बादी की ये वो दास्तां है जिसका हर लफ्ज खून की स्याही में डूबा है। ये वो दास्तां है जहां इंसान हैरान है उस इंसान से जो खुद इंसानी बस्तियां जलाने में सबसे आगे रहा। बदले के नाम पर हैवानियत की दास्तां है ये। मंजर 31 अक्टूबर सन 1984 का है जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी। उनकी हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। इन दंगों में करीब 2733 सिखों की मौत हुई थी। इंदिरा गांधी की मौत का पूरा घटनाक्रम। सुबह तकरीबन 9 बजे इंदिरा गांधी 1 अकबर रोड की तरफ चल पड़ी। जब इंदिरा गांधी उस गेट से करीब 11 फुट दूर पहुंची थी उस गेट पर सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह तैनात था। वहीं पास में संतरी बूथ में कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेनगन लिए खड़ा था। जैसे ही इंदिरा गांधी वहां पहुंची तो अचानक बेअंत ने अपनी 0.38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर एक के बाद एक गोलियां दाग दी। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी को इलाज के लिए तुरंत एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 डॉक्टरों की टीम उन्हें बचाने में लग गई। यह गोलियां फेफड़ों व रीढ़ की हड्डी में धंस चुकी थीं, बस उनका दिल सलामत था। बताया जाता है कि उन्हें 88 बोतल खून चढ़ाया गया लेकिन फिर भी उनको बचाया नहीं जा सका और भारत ने अपनी आयरन लेडी को खो दिया। हत्या के बाद भड़क उठा गुस्सा। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1 नवंबर 1984 को लोगों में इतना गुस्सा भड़क उठा कि उन्होंने सिखों को निशाना बनाया और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उनका कत्ल किया जाने लगा। दिल्ली में खासकर मध्यम और उच्च मध्यवर्गीय सिख इलाकों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया। राजधानी के लाजपत नगर, जंगपुरा, डिफेंस कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, महारानी बाग, पटेल नगर, सफदरगंज इनक्लेव, पंजाबी बाग आदि कॉलोनियों में हिंसा का तांडव रचा गया। गुरुद्वारों, दुकानों, घरों को लूटा गया और उसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। राजीव गांधी का वो बयान जिसकी आज भी होती है आलोचना। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने उनके बेटे राजीव गांधी ने हिंसा के जवाब में कहा कि जब कोई मजबूत पेड़ गिरता है तब उसके आसपास की धरती हिलती ही है। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का काफिला दंगाइयों के गुस्से का पहला निशाना बना। भीड़ ने 3 गाड़ियों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी में होने के चलते ज्ञानी जैल सिंह बच गए। क्यों हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या? जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने का आदेश दिया और सभी विद्रोहियों को खत्म करने के लिए कहा, क्योंकि स्वर्ण मंदिर पर हथियारबंद सिख अलगाववादियों ने कब्जा कर लिया था। भारतीय अर्धसैनिक बलों द्वारा बाद में पंजाब के ग्रामीण इलाकों से अलगाववादियों को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। इन दंगों का मुख्य कारण स्वर्ण मंदिर पर सिखों का घेराव करना था। सिखों की मांग एक खालिस्तान नाम के एक अलग देश बनाने की थी जहां केवल सिख ही रहेंगे, परंतु कांग्रेस सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सिख कई चेतावनियों के बाद भी मंदिर को नहीं छोड़ रहे थे। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर से सिखों को हटाने के लिए मिलिट्री की सहायता ली। वहां पर हुई मुठभेड़ में बहुत से सिख मारे गए। यह देखकर इंदिरा गांधी के 2 अंगरक्षक जो कि सिख थे उन्होंने 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। हालांकि सन 1984 के सिख दंगों के दर्द को सही मायने में झेल चुके उन पीड़ितों व उनके परिवारजनों के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज ही पटियाला हाउस कोर्ट ने दंगों के मुख्य आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी यशपाल को
फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही नरेश सहरावत को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1984 में हुए दंगों पर अहम टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि 1984 में जो कुछ हुआ वह बेहद बर्बर था। न्यूज़ टाइम्स के लिए सुजीत कुमार की खास रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।